खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर धान की रोपाई करीबन 95% हो चुकी है। वर्षा न होने से जमीन में दरारें भी पड़ना शुरू हो गई हैं। साथ ही कीट और घास का भी किसानों को चिंता सताने लगी है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने किसानों से अपील की है कि कहीं की फसल में कीट लग रहा है, तत्काल कृषि सलाहकार से सलाह लें और समय समय पर दवा का छिड़काव अवश्य करें। रोपाई हो चुकी है और कीट और घास फूस का मतलब ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिले, इस पर क्या कहेंगे और किसान क्या करें जिससे कि इससे बचाव? पहले तो सभी को नमस्कार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनपद सिद्धार्थनगर लगभग 95% क्षेत्रफल में धान की रोपाई लगभग पूरी हो चुकी है और बाकी कुछ क्षेत्रों में हो रही है। किसान भाइयों से मेरा यह अनुरोध है कि धान की जिस दिन वो रोपाई करते हैं और खेत में उनके पानी अगर मौजूद है तो 24 से 72 घंटे के अंदर अगर उनके पास संभव है तो प्रेटलाक्लोर 50% TC दवाई आती है, जिसको आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से अगर उसको उपयोग करते हैं तो उसमें खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी सहयोग मिलेगा। अगर किसी कारण से वो प्रेटलाक्लोर नहीं स्प्रे कर पाते हैं तो बिसपायरीबैक सोडियम नामक दवाई 20 से 25 दिन बाद रोपाई के उसको स्प्रे कर सकते हैं और खरपतवार नियंत्रण को कर सकते हैं। इसके अलावा धान में जो हमारे प्रमुख बहुत सारे फफूदनाशी रोग लगते हैं, फफूद जनित रोग लगते हैं, जिसके लिए हम लोग को फफूदनाशी का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे हम लोग बैक्टीरियल स्ट्रीक देखते हैं, उसमें लाल रंग के खूनी धब्बे अगर आप सुबह खेत में जाएंगे तो आपको दिखते हैं उस पर, तो ऐसे अगर रोग आपको दिख रहा है तो उसके लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्साइड आप 600-700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसको प्रयोग करके इस रोग पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा सीथ ब्लाइट नामक भी बीमारी धान में काफ़ी मतलब हमारी जो उपज है उसको प्रभावित करती है। और इसके में आप एक देखेंगे तो अनियमित धब्बे जो होते हैं वो हमारे पौधे पर होते हैं, जो किनारे गहरे भूरे होते हैं, बीच में थोड़े हल्के रंग के होते हैं। और इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम 50% WP आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप हेक्साकोनाजोल 5% TC भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, 600-700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भूरे धब्बे भी धान में काफ़ी दिखते हैं, और इसमें जो सामान्यतः देखा जाता है कि अंडाकार कत्थई रंग के इसमें धब्बे हो जाते हैं, और ऐसे अगर रोग आपके फसल में दिख रहे हैं तो आप थायोफेनेट मिथाइल नामक दवा को भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 1.5 किलोग्राम इसकी मात्रा लगेगी आपको एक हेक्टेयर में इसको स्प्रे करने के लिए। इसके अलावा अगर कमी की बात करें तो आपके धान में जिंक की भी कमी काफ़ी प्रभावी होती है, जो हम सभी जानते हैं कि खैरा रोग नामक जो इसमें मतलब बीमारी लगती है धान में। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जिंक की कमी हो जाती है हमारे धान की फसल को, तो ऐसी अवस्था में आप लगभग 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला करके खेत में आप पहली जब टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो आप उसको खेत में छींट सकते हैं। इससे आपकी जिंक की भी जो हमारे पौधे को आवश्यकता वो भी पूरी हो जाती है, और सल्फर जो कि हमारे मान के चलिए जो भी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है उसको बढ़ाता है, अच्छा करता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, तो सल्फर भी हमारे पौधों को प्राप्त हो जाता है। सिद्धार्थनगर से शशि भूषण दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।